यार वेलकम टू स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश पे। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पहले आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। अगर आप नंबर्स की बात करें, सेगमेंट वाइज देखें, किस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी है, अगर आप थोड़ा सा मार्केट शेयर पर भी अगर हमें यहाँ पर कुछ डिटेल शेयर कर पाएँ तो। अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, डिसबर्समेंट की ग्रोथ बारे बात करें, तो सारा ही ज्योग्राफी में हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला एंड सारा ही गाड़ी में हमारा पोजीशन अच्छा रहा। हमने मार्केट शेयर गेन किया है, चाहे वो महिंद्रा ऑटो प्रोडक्ट्स में हो या वे कार सेगमेंट में हो। ट्रैक्टर में हम फिर नंबर 1 पोजिशन पे आ चुके हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रही है वो सारा ही प्रोडक्ट्स रहा है। अगर गाड़ियां अवेलेबल होते, इंक्लूडिंग प्री ओन्ड व्हीकल, तो हमारा ग्रोथ और अच्छा हो सकता था। तो हम समझते हैं कि आगे चल के जैसे जैसे गाड़ियां मिलने लगेगी, हमारी ग्रोथ फिर इससे भी बेहतर देखने मिलेगा। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का सवाल है, आप देखेंगे कि एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट है और हमने ये लगातार बताया है फर्स्ट क्वार्टर के बाद में। जैसे कि मार्केट में एक कामकाज शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज हो जाती है, लोग अपनी गाड़ियां यूज करने शुरू कर देते हैं, तो वो एक रिकवरी में भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और हम वही देखें सेकेंड क्वार्टर में भी देखें, अब भी यही देखा है कि ओवरऑल कलेक्शन अच्छा रहा है, एनपीए कम हुआ है, देयरफॉर प्रोविजन रिवर्स हुआ है, वो जो लीड करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरी बात ये कि हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हमेशा इंडस्ट्री में हम लीडर रहे हैं सो फार एज आवर बोरोइंग कॉस्ट इज कंसर्न, और हमें उसका भी फायदा मिला। जैसे हमारी ओल्ड बोरोइंग जो हाई रेट की थी वो जैसे मेच्योर होते हैं और हम उसे रिप्लेस करते हैं न्यू बोरोइंग से, तो हमें उसमें रेट की बेनिफिट मिलती है। इस वजह से आप जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने मिला। राइट मिस्टर अय्यर, जैसे आप खुद ही मान रहे हैं कि राइट के रिडक्शन हुए हैं एनपीएस में और आपको प्रोविजन भी घटाना पड़ा। इनफैक्ट अब आपका लगभग 450 से भी कम, 450 करोड़ से भी कम का प्रोविजन हमने देखा ला इस क्वार्टर में। अब आप गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का आउटलुक प्रोविजनिंग को लेकर आने वाले क्वार्टर्स में रख रहे हैं? क्या लग रहा है कि रिवर्सल का ट्रेंड जारी रहेगा और कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी आगे के महीनों के लिए? तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद हमने ये क्लियरली बताया था कि जो एनपीए हुई है और जो प्रोविजन हमने किया है, ये आगे 3 क्वार्टर में इसके रिवर्सल हमें देखने मिलेंगे, कम से कम 80% ऑफ दैट प्रोविजन। और हम उसी डायरेक्शन में लगे हैं और इस क्वार्टर तक के अगर नंबर देखें तो 60% जो हमारी प्रोविजन है वो रिवर्स हो चुकी है। और हम एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये फोर्थ क्वार्टर में भी इसी तरीके का ट्रेंड रहेगा, जहां हम कस्टमर से रिकवरी कर पाएंगे, कस्टमर अपने अकाउंट सेटल कर पाएंगे और एनपीए में सुधार देखने मिलेगा। इसका मूल कारण क्या है? हम जिस कस्टमर सेगमेंट के साथ काम करते हैं वो सब अर्न एंड पे सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, और जैसे जैसे उनकी गाड़ियां ट्रैक्टर वगैरह काम पे लग जाती है वो अपना अर्निंग्स आ जाती है और वो अपना रिपेमेंट करते हैं। हमें ये समझना होगा कि जिस कस्टमर सेगमेंट के साथ हम काम करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। उन्हें प्रेशर आता है जब उनकी कामकाज कम होती है, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम रहते हैं, जैसे स्कूल नहीं चल रहे थे, टूरिज्म नहीं चल रहा था, तो वो गाड़ियों से रिकवर करना जब उनकी काम नहीं चल रहा तो ये मुश्किल होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये सारा ही कारोबार जो है ओपन अप हो चुका है और आप इसी तरीके के ट्रेंड देखेंगे। अगर कोई डिसरप्शन नहीं आती है बाजार में तो आप यही देखेंगे कि कंटिन्यूअस रिडक्शन इन एनपीए एंड इट विल कम बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल, जो हमारी पहली रहती थी वो लेवल पे हम आ जाएंगे। बिल्कुल। इस बीच सर ये भी बताइए कि जो रूरल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है उसमें हमने एनपीए में बढ़ोतरी होते देखी है, 14.87% से ऑलमोस्ट 16.19% साल दर साल अगर हम देखें। कितनी चिंतित हैं आप इसे लेकर, और जो रिकवरी है उसको लेकर आपका व्यू क्या है? इस बारे में भी हमने पहले चर्चा किया है। आप देखें, हम जिस सेगमेंट वहां भी काम कर रहे हैं, ये हाउस एक्सपेंशन, रूम एडिशन, इस तरीके का कस्टमर है। ये कोई बड़ा अपना घर नहीं बना रहे हैं या दे आर नॉट इन टू वॉट यू कॉल अ बिग हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कस्टमर है इनका जो कैश फ्लो है ये भी अपने अलग कारोबार से निर्भर करता है। और हमारा जो 40% एक्सपोजर है वो महाराष्ट्र में रहा है, और कुछ प्रॉब्लम इस ज्योग्राफी में हमें लास्ट 2-3 साल से देखने मिला, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के हो, और कस्टमर्स वही हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो ये कोई डिफॉल्टर या कस्टमर जो है फेल हो करके चीट करना चाहता है ऐसा कोई कस्टमर नहीं, तो उस तरीके के कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हमें इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम से ये जो है रिवर्स होने लगेंगे। और अब हम वो ट्रेंड देख रहे हैं, चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी हो चुकी है, क्रॉप अच्छा रहा, सपोर्ट प्राइस अच्छी रही है, तो फार्मर का कैश फ्लो में काफी सुधार देखने मिलेगा और हम देखेंगे कि ये ट्रेंड जो है ये रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने मिलेगा। आगे हम क्या कर रहे हैं कि अब रूरल हाउसिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी हम जा चुके हैं,
और ये दोनों मिक्स करते हुए आगे बुक में काफी ग्रोथ भी देखेंगे और काफी करेक्शन भी देखेंगे। और हम समझते हैं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो अभी हमें टाइम लगा है, आगे 2 या 3 क्वार्टर में आप लगातार इंप्रूवमेंट देखेंगे। सर, साथ ही एक चीज़ ये भी बताइए कि जो आपका एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो का, या फिर ये कहें कि जो मिक्स है, उसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के बीच का डिवाइड कैसा है? और क्योंकि जो नॉन सैलरीड क्लास है उसमें एक तबका ऐसा है जिन्हें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था ड्यूरिंग कोविड, तो अब वहाँ पर स्थिति क्या है? इज़ वर्स्ट बिहाइंड यू एज लॉन्ग एज फार एज दिस सेगमेंट इज़ कंसर्न? क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा कंसर्न था जब ये थर्ड वेव की बात हो रही थी, क्योंकि क्या है कि जैसे ही इसकी बातचीत होने लग जाती है, लोगों का जो सेंटिमेंट से थोड़ा सा नरम हो जाता है, लोग केयरफुल हो जाते हैं, फिर कॉशियसली अपना काम करते हैं। और ये जो कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स के लिए बंद रहती है, कुछ लॉकडाउन यहाँ वहाँ होता है, ब्रांचेस नहीं खुल पाते हैं, लोग हम कस्टमर के पास जा नहीं पाते, इसके थोड़ा सा दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और ये एकदम से इसकी क्लैरिटी आ गई और कारोबार जो है फिर ठीक ठाक शुरू होने लग गया और ये अब सेटल भी हो चुका है, तो उस फ्रंट में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। जहां तक हमारा कस्टमर्स का सवाल है, हम अर्न एंड पे सेगमेंट से काम करते हैं, मैं बार बार ये चीज को दोहराता हूँ, और हमारे पास सैलरीड कस्टमर सिर्फ कार जैसे पर्सनल सेगमेंट में थोड़ा सा रहता है, वो भी हम समझते हैं 10-12% से ज्यादा नहीं रहेगा। अधिकतर हमारे जो कस्टमर बेस है, 80-90% जो कस्टमर बेस है, ये सब कमर्शियली अर्निंग कस्टमर्स हैं। और इस वजह से जब कभी भी ये डिस्ट्रप्शन आती है, इन्हें दिक्कत जरूर होता है, लेकिन हमने हमेशा ही ये देखा है जैसे ये एक सिचुएशन सुधार आ जाती है बाजार में, ये कस्टमर जो हमारे इंस्टॉलमेंट रीपे करके इस रिवर्स हो जाते हैं। अय्यर साहब, ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से और चिप शॉर्टेज की वजह से प्री ओन्ड सेल्स की बिजनेस में हमने देखा है एक तरह का इम्प्रूवमेंट आया है। इस तरफ से आपको कैसी इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही है, क्योंकि आप उसके अंदर एक काफ़ी बड़े प्लेयर हैं? सारा ही गाड़ियों में, चाहे वो कार हो, यूवी हो, ट्रैक्टर्स हो, सब में हम देख रहे हैं कि प्री ओन्ड व्हीकल का डिमांड काफी अच्छा है, और नो एक्सेप्शन टू ज्योग्राफी, हर स्टेट में ये डिमांड हम देख रहे हैं। वहां भी यही दिक्कत है कि गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, और गाड़ियां इसलिए अवेलेबल नहीं है कि न्यू गाड़ियां नहीं मिल रही है, तो लोग एक्सचेंज जो करना चाहते हैं वो डिले कर रहे हैं, फिनेंस कंपनियां रिप्रोसेस नहीं कर रही थी लास्ट 1 साल से, चूंकि हम कस्टमर के साथ पार्टनर कर रहे थे, वो दिक्कत से गुजर रहा था, तो गाड़ी खींचने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो हमने उन्हें टाइम दिया। तो ओवरऑल जो है प्री ओन्ड व्हीकल में भी सप्लाई में प्रेशर रहा है, जैसे जैसे ये खुल जाएंगे और गाड़ियां मिलने लगेगी, दैट्स अ रियल टाइम टू मेजर। लेकिन आज अगर हम बाजार का एस्टिमेट करें, तो मैं समझता हूँ कि प्री ओन्ड व्हीकल आज बहुत बॉयंट है और ये रहेगी आगे भी। राइट, ऑल राइट अय्यर साहब।